मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी में डेटा सेंटर बना, विदेशी निवेशकों की पहली पसंद, 17,500 करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 विदेशी निवेश आकर्षित करने के राज्य सरकार के मंत्रियों के साझा प्रयास। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तिथि करीब आने के साथ ही मूर्त रूप लेते दिखाई दे रही है। विदेशी निवेशकों ने जिन 25 सेक्टर में रुचि दिखाई है उनमें डेटा सेंटर उनकी पहली पसंद बना है। वहीं लॉजिस्टिक पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल और फिल्म सिटी जैसे क्षेत्रों में भी विदेशी निवेशकों का रुझान देखने को मिला। बता दें कि विदेशी मेहमानों को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों के समूह ने 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो किया था, जिसमें 70.12 लाख करोड़ के 108 निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी थी। विदेशी निवेशक डेटा सेंटर के क्षेत्र में 17,560 करोड़ का निवेश करेंगे। लॉजिस्टिक पार्क इनकी दूसरी पसंद के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र में 16,810 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में UAE की आस्था ग्रीन एनर्जी वेंचर्स ने 4,480 करोड़, श्री सिद्धार्थ इंफ्राटेक ने 8,000 करोड़ खर्च करने की कार्य योजना बनाई है। वहीं जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन में रोड शो के दौरान बोसोन एनर्जी SA ने 1,000 करोड़ के निवेश का फैसला किया है। इस क्षेत्र में विदेशी मेहमान कुल 12,500 करोड़ का निवेश करेंगे। जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन में रोड शो के दौरान इंटरनेशनल ग्रुप AB ने 10,000 करोड़ का निवेश फिल्म सिटी में करने का फैसला लिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।